Morning class 4th, welcome to the EBS class. In previous class, we have started chapter number 5. So now it's time to continue that chapter. The chapter name was Ways of Recreation. Recreation मैंने बताया था जब आप mind को refresh करने के लिए कोई activity करते हैं. That is recreational activities. Okay? तो कुछ हमने पढ़ ली थी activities. अब आगे हम continue करेंगे with kite flying. Kite flying is a popular sport. Kite flying is a popular sport in India. On Independence Day and Makar Sankranti, kite flying competitions are held in country. Kite flying सबको पता है पतंग उड़ाना और ये बच्चों का बहुत ही शौक वाला और पसंदीदा sport भी है और India में तो बहुत ही popular है ये. इंडिपेंडेंस डे पर या मकर संक्रांति पर काइट फ्लाइंग के कॉम्पिटिशन्स भी हमारे कंट्री में किए जाते हैं. काइट्स ऑफ डिफरेंट शेप्स कलर्स एंड साइजेस आर फ्लोन अक्रॉस द स्काई. अलग अलग कलर की शेप की पतंगें बहुत सारी पतंगें आकाश में उड़ाई जाती हैं. ओके नेक्स्ट रिक्रिएशनल एक्टिविटी हम पढ़ेंगे सर्कस. सर्कस इज एन ओल्ड एंड पॉपुलर मीन्स ऑफ सर्कस जो है एक बहुत ही पुराना और पॉपुलर मीन्स ऑफ रिक्रिएशन है. लार्ज नंबर्स ऑफ परफॉर्मर्स दैट इंक्लूड क्लोन. बहुत सारे जो परफॉर्मर होते हैं जो कि परफॉर्म करते हैं उसमें ट्रेपेज आर्टिस्ट एक्रोबैट्स एक्सेट्रा परफॉर्म एक्ट्स टू एंटरटेन द ऑडियंस. और सर्कस में जो होते हैं बहुत सारे आर्टिस्ट होते हैं एक्रोबैट्स होते हैं जो करतब दिखाते हैं नट वगैरह. और ये इसलिए करते हैं ऐसा ताकि ऑडियंस जो हैं जो देख रहे हैं उनको एंटरटेन कर सकें. नेक्स्ट इज फेयर. फेयर क्या होता है मेला. फेयर मेलाज आर ऑर्गेनाइज्ड ऑन फेस्टिवल सच एज दिवाली दशहरा एंड न्यू ईयर. इस तरीके के जो मेले होते हैं ये मेले ज़्यादातर फेस्टिवल्स पे ऑर्गेनाइज किए जाते हैं. जैसे कहीं दिवाली का मेला दशहरा का मेला लगता है. दशहरा का तो सबने देखा भी होगा वहाँ पर रावण के जो स्टेचूज होते हैं उनको जलाया जाता है. दे आर ऑल्सो हेल्ड ऑन रिलीजियस ओकेजन. ये रिलीजियस ओकेजन्स पे जैसे कि कुंभ मेला एंड पुष्कर मेला इन पर भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं मेला. फेयर्स आर हेल्ड इन ग्राउंड्स विद लॉट्स ऑफ राइड गेम्स टॉयज फूड स्टॉल्स एंड अदर फन एक्टिविटीज. और मेला में जो मेले लगते हैं उनमें क्या होता है ज़्यादातर जैसे मैरी गोल्ड राउंड है और अलग अलग तरीके से टॉयज़ की शॉप्स होती हैं फूड की स्टॉल्स होती हैं फन एक्टिविटीज़ कुल मिलाकर सारी मेले में होती हैं. तो ये हमने कुछ और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ को पढ़ा. मैनी टाइप ऑफ थिंग्स आर सोल्ड इन फेयर्स. जो मेले होते हैं उनमें अलग अलग तरीके की स्टॉल्स लगती हैं बहुत सारी चीज़ें बेची जाती हैं. सम फेयर्स लाइक द इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर बुक फेयर ऑटोमोबाइल फेयर एक्सेट्रा रन फॉर मैनी डेज. और कुछ मेले ऐसे होते हैं जैसे कि इंटरनेशनल ट्रेड फेयर होता है या बुक फेयर होता है वहाँ पर बहुत सारी बुक्स मिलती हैं. ऑटोमोबाइल का जो फेयर होता है ये बहुत सारे दिनों तक चलते हैं. देखिए पिक्चर्स भी हैं जैसे ये यहाँ पर ट्रेड फेयर है और ये यहाँ पर बुक फेयर है बुक्स की स्टॉल हैं और ये यहाँ पर जैसे ऑटो एक्सप्लो का ऑटोमोबाइल फेयर है. ये सभी चीज़ें जो हैं ये भी फेयर के अंदर ही आती हैं. इसके अलावा ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो हैं ये मैंने आपको कंप्लीट करके दिए हैं. आई एम सेंडिंग ऑल एक्सरसाइज इन बुक. तो आपको ये सब बुक में ही कंप्लीट करना है. जो एक्सरसाइज मैं नोटबुक में करने के लिए बोलूँगी वो आपको नोटबुक में करना है.